जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लखनऊ पहुंचेंगे तो राजधानी में कैसा नजारा होगा वो एबीपी गंगा आपको आज ही दिखाएगा, जिसे आप समझ सकेंगे कि पीएम मोदी जब लखनऊ पहुंचेंगे तो लखनऊ में किस तरह की सजावट है और कैसे इंतजाम नजर आ रहे हैं। देखिए हमारे संवाददाता विवेक त्रिपाठी की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार को राजधानी लखनऊ आ रहे हैं और कुशीनगर से लौटते हुए वो शाम को यहाँ लखनऊ पहुंचेंगे और यहाँ सबसे महत्वपूर्ण मुख्यमंत्री आवास पर सारे मंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक करके उनको जो आगे कामकाज का है वो मंत्र देंगे, उनकी रिपोर्ट भी देखेंगे जो अभी तक के कार्यकाल में मंत्रियों ने क्या क्या किया है और कितना काम बाकी है, आगे क्या होना है, क्या प्लानिंग है, इन सब पर मंत्रियों से चर्चा करेंगे और मुख्यमंत्री आवास पर ही प्रधानमंत्री रात को मंत्रियों के साथ डिनर भी करेंगे और प्रधानमंत्री के आगमन के लिए तैयारियां जोरों पर हैं। इस समय हम एयरपोर्ट पर मौजूद हैं जहां पर प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए सूचना विभाग की तरफ से टीम आई है जो होर्डिंग लगा रही है। होर्डिंग लगाने के साथ ही शहर के हर रूट पर, जिस रूट से यहां से एयरपोर्ट से प्रधानमंत्री मुख्यमंत्री आवास तक जाएंगे, उस सारे रूट पर सजावट का काम चल रहा है, साफ सफाई का काम चल रहा है। जो रास्ते में लाइटें हैं, लाइटें खराब हैं अगर तो उनको बदलने का काम चल रहा है। पूरे एयरपोर्ट परिसर को भी लाइटों से सजा दिया गया है, हर तरफ सफाई की व्यवस्था सुनिश्चित कराई गई है, लाइटें लगी हैं और ये जगमग रोशनी पूरे एयरपोर्ट में लगाई गई है ताकि प्रधानमंत्री जब यहाँ पर पहुँचेंगे तब उनके स्वागत पर इस तरह से पूरा इलाका जगमगाता रहे। रास्ता जो मुख्यमंत्री आवास का रास्ता है उसमें भी सुरक्षा के मजबूत इंतजाम किए गए हैं। कई अंडरपास हैं जहां पर वहां पर पुलिस मौजूद रहेगी। जो हाई राइज बिल्डिंग है वहां पर भी सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम होंगे। सजावट का काम अभी से शुरू हो गया है और ये लगातार रात भर जारी रहेगा, चाहे वो लाइटें लगाने का काम हो या जो मुख्यमंत्री आवास के आसपास फूलों के गमले लगाने का काम हो, वो LDA नगर निगम और जिला प्रशासन की टीम संयुक्त रूप से ये सारे कामकाज कर रही है ताकि प्रधानमंत्री को लखनऊ का एक बेहतरीन स्वरूप दिखाया जा सके। कैमरा सहयोगी जितेन के साथ विवेक त्रिपाठी, बीपी गंगा, लखनऊ। बढ़ते हैं खबरों में आगे। खबर बागपत से। बागपत में भू माफिया यशपाल तोमर के खिलाफ प्रशासन ने कार्रवाई की है। यशपाल तोमर के मकान पर प्रशासन ने बुलडोजर चलाया। प्रशासन ने भू माफिया यशपाल तोमर के मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई की है। बागपत के बरवाला गांव में भू माफिया यशपाल तोमर के मकान के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई शुरू की गई। इस दौरान मौके पर CO और SDM के साथ काफी तादाद में पुलिस फोर्स के अलावा राजस्व टीम भी मौजूद रही। बागपत के बरवाला में जिस महल को पिछले 3 सालों से बनाया जा रहा था, आज उसे ताश के पत्तों की तरह ढहा दिया गया। यहाँ तालाब की तकरीबन 46 बीघा जमीन है, जिसके अंदर करीब 2.5 बीघा जमीन घेर कर यशपाल ने अपने सपनों की ये कमिश्नरी बना डाली। बेशकीमती लकड़ी की चौखटों से हवादार महल खड़ा कर दिया गया, लेकिन अब इस पर ये कार्रवाई की। गैंगस्टर और भू माफिया यशपाल तोमर के खिलाफ एक के बाद एक योगी राज में बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं और आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस तरीके से यशपाल तोमर के बरवाला गांव में जो निर्माणाधीन महल तालाब की जमीन पर अवैध रूप से कब्जा करके बनाया गया था, आज उस पर जो बाबा का बुलडोजर है वो यहां पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। एबीपी गंगा पर एक्सक्लूसिव तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बुलडोजर है वो इस निर्माणाधीन महल पर गरजता हुआ नजर आ रहा है। इसको यशपाल तोमर की जो कमिश्नरी है वो यहां पर कहा जाता है और ये देखिए कि यहां आज इसको ध्वस्त करने की जो कार्रवाई है वो यहां पर शुरू कर दी गई है। योगी राज में एक के बाद एक बड़े एक्शन देखने को मिल रहे हैं। फिलहाल जो यशपाल तोमर है वो उत्तराखंड की रोशनाबाद जेल में बंद है। उसके ऊपर 16-17 से ज्यादा जो मुकदमे हैं वो दर्ज हैं और यहाँ आज देखिए कि अभी ग्रेटर नोएडा में 135 बीघा उसकी जो जमीन है वो कुर्क की गई थी और उसके बाद जो यशपाल तोमर का निर्माणाधीन महल है आज उसके भी बुरे दिन शुरू हो गए हैं। उस देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें देखिए एबीपी गंगा पर, आप देखिए एक्सक्लूसिव तस्वीरें कि किस तरीके से जो यशपाल तोमर का जो निर्माणाधीन महल है वो यहां पर धराशायी होता हुआ नजर आ रहा है। जब दोनों पिलर गिरे तो दोनों पिलर गिरने के बाद जो पूरा लेंटर है वो यहां पर झूल गया है और चारों तरफ धूल ही धूल यहां पर नजर आ रही है। अब इसको गिराने के बाद जो बुलडोजर है वो और आगे भी जो कार्रवाई है वो करता हुआ नजर आएगा। पल पल की अपडेट एबीपी गंगा आपको दिखाता रहेगा कि कैसे भू माफिया और गैंगस्टर यशपाल तोमर के जो बुरे दिन हैं वो शुरू हो गए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सत्येंद्र सिंह के साथ सनुज शर्मा, एबीपी गंगा, बागपत।